मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने जो कह दिया वह ठीक है। मुलाकात के बाद इमाम संगठन के प्रमुख ने जमकर की तारीफ। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अंबेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी और अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें उसके बाद उन्होंने उनका हाल जाना। उसके बाद मोहन भागवत आज़ाद मार्केट के मद्रासे पहुँचे। वहाँ उन्होंने मद्रासा पहुँच के बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मद्रासा के बच्चों से कि वो क्या पढ़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि मोहन भागवत बच्चों से काफ़ी देर तक मुखातिब हुए। यह शायद पहली बार देखने को मिला कि जब मोहन भागवत ने अचानक किसी मदरसे का दौरा किया। मोहन भागवत से मिलने के बाद अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इमाम उमर इलियासी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख व बर्ताव में बदलाव आएगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दूसरे लाइन में ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार खुली जगह में कुछ मिनट की अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रही है तथा सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है। मायावती ने आगे लिखते हुए कहा कि किंतु आरएसएस प्रमुख इस बारे में गहरी चुप्पी के क्या मायने निकल रहे हैं, इस पर भी वे जरूर गौर करें। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा,